अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 260 या 250 पॉइंट डिप ले सकती है, ये कैसे एक्सपेक्टेड था? जैसे मैंने अपनी अपनी पिछली वीडियो में एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझाई थी, उसके रिलेटेड मार्केट 250 से 260 पॉइंट माइनस हो सकती थी। तो हमने देखा मार्केट 260 पॉइंट तकरीबन माइनस हुई। अब वो स्ट्रेटेजी क्या थी, एक बार मैं छोटा सा आपको रिकैप दूंगा। वैसे पहली बात, जैसे मैंने आपको कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी तीन इंट्राडे के लिए स्टॉक्स बताए थे, दो ने टारगेट्स अचीव कर लिए, एक तो बाइंग रेंज में ही नहीं आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट हुआ सबको, जितने मेरे लोग हैं ग्रुप में। ऊपर से जो मैंने आप लोग को अपने अब एक वीडियो बनाई थी टेक्निकल एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हमने देखा, मैंने आप लोगों को जैसे कहा था PSMC 235 पे एक बेस्ट रेट है बाइंग करने का, उस रेट के पास आसपास आया। मैं नहीं जानता वो अभी कितने रेट पर, 237 तो मैंने देखा था। ऊपर से दाऊद इक्विटीज़ ने, मैंने बोला था 25 रुपये पर अच्छी बाय बन सकती है, उससे हम लोग ने एक बाउंस बैक देखा। शेल ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये कि शेल में अब आप लोग टारगेट बुक कर लें, शेल पेट्रोलियम में। और एक और शेयर था PABC, आपको फिर बता दूँ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है, लॉन्ग टर्म मतलब कि 3 मंथ से एटलीस्ट होल्ड है। अब जैसे मैंने बताया कि मेरी जो फॉर्म्यूला है उसके तहत मार्केट की क्या मूवमेंट रहनी चाहिए। देखिए मैं यही फिर कहना चाहूँगा, हमेशा नहीं ज़रूरी है कि ये हमेशा चले, ये स्ट्रेटेजी हमेशा चले, सही है, ये 100% तो कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, लेकिन ये इसकी एक एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी वाली है, उस पर भी काफ़ी केसेस आते हैं। मैंने तो उसका आपको एक बेसिक सा एक फॉर्म्यूला आपको बता दिया है। उसमें क्या था, पिछले डे की जितनी भी मूवमेंट है कितनी थी उसके, जैसे हाई और लो, आपको हाई में से आप उसके लो माइनस करना है। जैसे कल इसने अपना हाई लगाया था 47,608 और लो लगाया 47,184, तो माइनस करा तो हम लोग को तकरीबन 520 पॉइंट आया। कितना आया, 520 पॉइंट्स है ना, आपने माइनस किया 520 पॉइंट का, हमें मूवमेंट देखिए, वॉलीटिलिटी नज़र आई, सही है, ये बेसिक सी आपको बात बता रहा हूँ। और फिर मैंने आपको ये बोला था अगर लो ब्रेक होता है तो 520 डिवाइड बाई 2 करना है आपने, जिसका इसका 50% बनता है, जो कि 260 पॉइंट्स बनता है। हमने बोला हम माइनस 260 पॉइंट्स की हम टारगेट रख सकते हैं कि इतना मार्केट इतना और नीचे चांसेस हैं आने के। और हमने देखा कि अभी 249 बंद हुई, लेकिन तकरीबन 260 पॉइंट तक माइनस गई थी मार्केट, तकरीबन 260 से भी ज़्यादा 270 तक कुछ गई थी। बहरहाल बात यह है कहने की, ये स्ट्रेटेजी मैं नहीं कह रहा 100% सही होगी, लेकिन इसकी भी एक एक्यूरेसी रेट है। अब मैं आप लोग के पास कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। आज की मार्केट की क्लोजिंग वैसे ही एक्सपेक्टेड थी माइनस में होगी, और ये क्यों एक्सपेक्टेड थी, देखिए एक तो बहुत बड़ी वजह है, ये मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन है जिधर मार्केट दो बार रिजेक्ट हो चुकी है, किस लेवल पे, 47,333। ये एक्सपेक्टेड था कि पहले नहीं दे पाए, अभी भी नहीं देने की, तो एक्सपेक्टेड था ये इस बार भी नहीं दे पाएगी। और मैंने जैसे कहा था कि वॉल्यूम्स डल रह सकते हैं, वॉल्यूम्स इतने बेस्ट नहीं देखने को मिले, सही है, एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी मैं आपको एक दो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। मार्केट की अगर मूवमेंट की बात रहे तो देखिए, सबसे पहले हम मार्केट के अंदर आज भी हम लोग ने क्या देखा, सेलिंग प्रेशर। और मार्केट कहाँ बंद हुई है ये आप लोग का देख रहे हैं, मार्केट कहाँ बंद हुई है, अपने लो के पास बंद हुई है। अब किधर, अपने लो के पास। अब चांसेस क्या होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है तो जो पिछले डे की वॉलेटिलिटी रहेगी उसके डिवाइड बाई 2 करेंगे, इतनी और इतना प्लस जा सकती है, मार्केट के चांसेस होते हैं। अब बात यह, अगर माइनस होगी तो उसका बिल्कुल ही अपोजिट होगा। अब ये अगर मार्केट, अब क्या चांसेस है कि मार्केट और मजीद कर नीचे जा सकती है, सही है, और मजीद नीचे जा सकती है। और जो मार्केट का मेन सपोर्ट लेवल, हो सकता है मार्केट बाउंस बैक करे, जैसे हम देख रहे हैं बाउंस बैक के एरिया में ही आ रही है, पहले भी इसी लेवल के पास बाउंस बैक किया है। लेकिन जो आपको एक एरिया बता रहा हूँ जिधर एक आप बाइंग कर सकते हैं एक शॉर्ट इंट्राडे के लिए, वो 46,900 का लेवल है, इंट्राडे का लेवल है। लेकिन ये बात भी उधर, अगर ये सस्टेनेबल रहा, हो सकता है यहाँ पे मार्केट सस्टेन ना करे, तो फिर चलिए एक बार इस फॉर्मूला के तहत हम देखते हैं आज मार्केट ने अगर मूवमेंट जो रहे। आज मार्केट ने हाई लगाया 47,442 का, 47,442, लो लगाया तकरीबन 400। तो अब मार्केट जो आपकी मूवमेंट रहेगी 46,900
800 ये आपकी एक अच्छे सपोर्ट लेवल है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, मैं आपको मेजर सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ, 46,700, 46,500। मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया क्या है, मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस एरिया 47,250 या 200 का लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, ये ब्रेक होगा हम देख पाएंगे मार्केट और ऊपर जाए। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट दिखा रहा हूँ 3 मंथ्स का, ये मैंने काफ़ी इस पर बैठ के एनालाइज किया है और एक चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी इधर 3 मंथ्स के चार्ट में, जो हमें मेन चीज़ें देखने को मिल रही है वो ये है कि मार्केट तकरीबन मोर दी लेस इधर ही ट्रेड कर रही, थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है RSI के अंदर, थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। MACD बाइंग कॉल के साथ है, MACD बाइंग कॉल के साथ है, और ये मैं बता दूं MACD पे इतना हम रिलायबल नहीं रह सकते, MACD अभी तक बाइंग कॉल के साथ है और RSI 60 के ऊपर मौजूद है अभी, 3 मंथ्स के लॉन्ग व्यू अभी भी नेगेटिव इतना नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव अभी भी नहीं हुआ है, 60 एक अच्छा RSI है और MACD भी अभी बाइंग कॉल के साथ है। RSI यहाँ थोड़ा थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन अभी जो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, ये लेवल हम देख सकते हैं जो 9 मंथ्स की है, 47,355। इसके ऊपर मार्केट पहले ही नहीं दे पाई कभी क्लोजिंग, मतलब कि एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, 3 मंथ 4 क्वार्टर्स आप समझ ले, एक क्वार्टर का ये एक कैंडल है, जो कहने की बात ये इसने भी ब्रेक किया, ओपनिंग इसके ऊपर थी, क्लोजिंग इसके नीचे ही दे रहा है। अब जो इधर हम लोग को एक चीज़ नोटिस करने को मिल रही है वो ये लेवल 47,355। मुझे इससे कंसर्न नहीं, बल्ले 47,350 के ऊपर क्लोजिंग आए, किस पे, डेली के चार्ट में, लेकिन 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स की जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाएगी 47,355 के ऊपर, मार्केट को कैसे इतना पॉजिटिव समझ सकते हैं। बात यह है अभी हमारा जो पिछला क्वार्टर, अभी जो हमारा क्वार्टर एंड होगा, ये अभी अक्टूबर में शुरू हुआ है, दिसंबर में, दिसंबर तक इसकी मूवमेंट रहेगी और दिसंबर में हमें एक अच्छी एक रीज़न मिल पाएगा। इसी तरीके से मैं आपको इसका मंथली चार्ट अगर हम देखें, जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो ये लाइन है 47,300। इधर भी हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल किस लिहाज से, ये आप हाई देखें, ये इधर से रिजेक्ट हुआ है, हमें फिर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी एक क्या बात देखने को मिली हमें, इस मंथ की जो क्लोजिंग है फरवरी के मंथ, वो हमें 47,800 के भी नीचे देखने को मिला। अभी नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है और अभी भी हम ये नहीं कह सकते, अब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता मार्केट की क्लोजिंग कितना आएगी, ये 1 नवंबर से शुरू हुई है इसकी ये। तो अभी बात ये है कि अगर जो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो ये 46,900 के लेवल के हो सकता है ब्रेक करे और इसके नीचे क्लोजिंग दे नवंबर का मंथ में। मैं ये एक पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर देती है तो वेल एंड गुड, इसके लिए सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा लॉन्ग व्यू के लिए बता रहा हूँ, अभी हम देख सकते हैं कि जो हम लोग को वॉल्यूम्स वो मुसलसल डिक्रीज ही देखने को मिले, वॉल्यूम्स मुसलसल हमें डिक्रीज देखने को मिले मंथ वाइज। तो ये कि ओवरऑल इतनी कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है फिलहाल मार्केट के लिए, और ये 46,900 का आपके लिए डेली के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट ने हमें पहले इधर से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दी है बहुत बार, स्ट्रांगली सपोर्ट, और जो 46,700 एक अनदर इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने दूसरे तरीके से भी निकाले हुए ये लेवल, ये 50% अगर जो इसका लेवल बनता है, चलिए ये एक है कि ये कि आप इसकी मूवमेंट देखें 48,000 और इसका जो लो लगाया है इसने मार्केट ने 43,000। अब 43,000 को अगर 5,000 2,500 पॉइंट 45,500 मार्केट की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, जैसे हम लोग ने मार्केट को पहले भी देखा हुआ है। अभी जो मेन लेवल है जिधर आप इंट्राडे के लिए बाइंग कर सकते हैं 46,900 का लेवल है, 46,900 का लेवल। RSI की बात कर ले, अभी भी हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस ही दे रहा है RSI, अभी तक इसमें हमें एक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, जैसे मैंने आपको कहा है ब्रेकआउट अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट नेगेटिव नहीं है, मगर अभी हम लोग को ब्रेकआउट ही नहीं देखने को मिला। एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको RSI के ऊपर दिखा दी है, RSI की ट्रेंड लाइन क्या कहना चाह रही है, ये पहले यहाँ से रिजेक्ट हुई,
फिर इधर से रिजेक्ट हुई, अब फिर वापसी हम लोग ने देखा स्ट्रैंड लाइन को फॉलो करती हुई आ रही है। अगर ये फॉलो करती है मजीद आगे तो इधर से एक रिजेक्शन फिर देखने को मिल सकता है हमें मार्केट में, फिर जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनने बन सकता है वो 46,500-700 इंट्रा डेज वालों के लिए बहुत नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो आई होप सो आप लोग देखें और इस पर गौर फरमाएं। 3 मंथ्स का मैं आपको बिल्कुल वापसी एक बार 3 मंथ्स पर हम आ जाता है, सब कुछ क्लियर डिलीट विलीट कर दिया मैंने, इधर भी सब कुछ डिलीट कर दिया जी। हाँ सही, अब आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, खैर ये अगर आप देखना चाहिए देख ले, हमारी मार्केट बिल्कुल शुरू से 1,000 पॉइंट से जब गई, 15,000 पॉइंट था, 1,000 पॉइंट से 15,000 पॉइंट तक, तो 14,000 या आप समझ लें 12,000 पॉइंट या 14,000 पॉइंट गेन किए, उसका 50% कितना बनता है, 7,000 बनता है ना 50%। हमने देखा मार्केट ने एटलीस्ट 50% करेक्शन ली और फिर वापसी 4,000 के जो भी लेवल पे आई, लोज से लगाया 4,781 था। अब वापसी आप ये सुने गौर से, जब 4,781 से एक मार्केट ने बुल मूव दिखाया, हमें एक बुल मूव लॉन्ग बुल मूव दिखाया लॉन्ग टर्म के लिए, 4,781 से कहाँ गई, मैं एक सेकेंड ये कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। 4,781 के लोग के पास गई, फिर हमारे पास 53,127, मैं फोन से इधर कैलकुलेट कर लेता, 53,127 माइनस 4,781 तो ये तकरीबन 48,000 की बुल मूव थी, 48,000 की बुल मूव थी। अगर हम इसे करें डिवाइड बाय 2, 24,000 पॉइंट मार्केट को एटलीस्ट करेक्ट होने थे अपने इस फॉर्मूला के ऊपर काम करने के लिए। सही है, मार्केट को अपने इस फॉर्मूला के ऊपर के काम करने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 24,000 पॉइंट करेक्ट होने थे, और हमने देखा मार्केट मोर देन 24,000 पॉइंट्स करेक्ट हुई, 50% पहले करेक्ट हुई, 50,000 पहले करेक्ट हुई। अब मार्केट जो हमें दिखाई दे रहा है 3 मंथ का, अगर आप टाइम फ्रेम देखें, अब 3 मंथ के अंदर हमें काफ़ी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। वो क्या है, मार्केट ने अपने प्रीवियस जो इस ये प्रीवियस क्वार्टर के लो को भी ब्रेक कर दिया है, ये वैसे ही एक नेगेटिव पॉइंट है, और क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में आ चुकी है मार्केट, कंसोलिडेशन फेज में आ चुकी है। बीच में हम लोग को यूँ इस तरीके का बड़ा कंसोलिडेशन फेज नहीं मिला जैसे ये चलते रहे, अब जो हमें डिटरमाइन करता है कि मार्केट अपने हाई को कंप्लीट कर रही है, मार्केट अपने हाई को कंप्लीट कर रही है। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, 47,115 का लेवल, अब ये देखें ये जो क्लोजिंग है मार्केट की, इसका जो हाई लगा 47,144 और इसका जो हाई लगा 47,241, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट भी हमें पहले भी इधर से रेजिस्ट होते हुए दिखाई दी है, जिसकी वजह से मार्केट वापसी रेजिस्ट हो सकती है, तो बेहतर ये है फिलहाल इन्वेस्टिंग चांस, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल कर दे, हो सकता है मार्केट बुल मूव दिखा दे, सही है, मार्केट हो सकता है आपको और अच्छा मूव दिखा दे, सही है। अगर मार्केट, चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तो मार्केट का आपको बिल्कुल ही लॉन्ग व्यू बताऊँगा, अगर मार्केट हमारी 53,000 के ऊपर 3 क्वार्टर्स के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो उसके बाद मार्केट अगर इसके ऊपर 3 मंथ में क्लोजिंग दे देती है, फिर जो एवरेज मार्केट की मूव बनेगी वो 60,000 बन सकती है, मार्केट पे आपको 60,000 तक जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल मार्केट के पास अभी एक चैलेंजिंग एरिया आ रहा है, मार्केट हमें रिजिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी बैड न्यूज़ है वो, पॉलिटिक्स की भी हमारे पास काफ़ी बैड न्यूज़ है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली काफ़ी बैड न्यूज़ हैं हमारे पास, और कोई मार्केट ने वैसे ही हमें इतना ज़्यादा गेन दे दिया 25,000 पॉइंट का, वैसे ही गेन दे दिया, जिसकी वजह से अगर कोई 50% करेक्शन आती है, इसका जो लो लगा मार्केट का 27,000 और हाई लगा तकरीबन 49,000, तो जो हमारी बुल मूव 22,000 की हुई है, अब वो 50% का एटलीस्ट करेक्ट कर सकती है ना अपने आपको, 11,000 पॉइंट 49 से 11,000 पॉइंट अगर आप लोग माइनस करते हैं 38,000, ये एक फॉर्मूला के तहत ही हमारे पास आंसर आ रहा है 38,000, अब हो सकता है 40,000 तक आए,
अब बात ये कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स बनेंगे आप मार्केट के लिए, जिधर एक अच्छी आपके पास बाइंग आ सकती है। तो फिलहाल क्या है, आप बेचे हाई साइड पे माल, वापसी उसे डिप पे बाय कर ले। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिप पे नहीं मिलेगा और ऊपर चला जाएगा, कोई और शेयर में बैठ जाए। बात ये हाई साइड पे बेचे एक खैर चले ये ज़्यादा वो प्राइवेट बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं तो चले वो छोड़े, लेकिन बहरहाल बात ये कि अभी आप हाई साइड पे माल बेचें, सही है, लो साइड पे उन्हें वापसी बाय कर लें। अगर नहीं बाय होता कोई बात नहीं, बल्ले वो आगे चला गया, आप कोई और शेयर पकड़ लें। एटलीस्ट छोटा अगर जिसमें आपका नुकसान ही जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसे तो निकालें, ऐसा ना हो प्रॉफिट भी आपके लिए लॉस बन जाए। फिलहाल जो एक हम कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं वो ये है कि मार्केट के अंदर आखिरी सेशन में हमें पास बहुत ज़्यादा सेलिंग आई। अभी मार्केट एवरेज हो गई तो 180 पॉइंट माइनस है मार्केट, तो चले एवरेज तो भी है लेकिन स्टिल मार्केट अपने लो के पास ही बंद हुई है और मार्केट का हम लोग का काफ़ी सेलिंग प्रेशर मिला। जैसे अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आखिरी में हमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हमने बहुत वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग देखने को मिली ना, मार्केट सुबह प्लस गई। अब वॉल्यूम्स आप ये खाली चेक करें कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, आप ये भी सुनते रहिए, मार्केट ऊपर जा रही थी, ये भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी, ये आप सुन लीजिएगा बिल्कुल। मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिखाई देती थी, वॉल्यूम्स हमें डिक्रीज होते हुए दिखाई देते, वॉल्यूम की डाइवर्जेंस आने शुरू हो गई, वॉल्यूम की डाइवर्जेंस आने शुरू हो गई। अब ट्रेंड वीक हो रहा है, इसका मतलब ये है अब ट्रेंड वॉल्यूम कम हो रहा है, अब ट्रेंड वीक हो रहा है। और अगर वॉल्यूम प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है और प्राइस डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है। ये क्यों, वॉल्यूम के साथ सेलिंग करने को मिल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली हमें इसमें हो सकता है कि मैं वैसे ही बता रहा था कि हम लोग और इसलिए सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। आज जो ओवरऑल मार्केट ने रहा है वो यही है कि मार्केट में सेलर्स बहुत एक्टिव रहे, बल्ले जब मार्केट ऊपर भी थी ना पॉजिटिव, हमारे वॉल्यूम्स बहुत डल देखने को मिले। आखिरी के जो सेशंस रहे 2 बजे के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम्स आए, अब एक ऐसी अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ 3 आवरली कैंडल में आ जाए, तो आखिरी की ये जो दो कैंडल्स रही है इनमें हाई वॉल्यूम देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स। अब जब भी देख रहे हैं जब मार्केट सेलिंग में आ रही है हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है, अगर बाइंग में आ रही है मार्केट में तो वॉल्यूम्स वैसे ही कम है। तो ये कंपेयर करने की बात है कि वॉल्यूम अभी फ़िलहाल हमें सेलर्स बहुत एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। ये अगर चले मैं आपको एक शेयर बता रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, OGDC आज जो इसकी क्लोजिंग आ जाएगी XY और इसकी क्लोजिंग 84.99 पे आई है, तो इसकी एक अच्छी आपकी बाय एक जो अभी अपनी सपोर्ट पे ही है ये फिलहाल, ये आप कर सकते हैं बाय डिप पे, और एक अच्छा इसमें भी आप कर सकते हैं क्योंकि आवर्ली कैंडल हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव आई। इसका अगर ये एक बार ब्रेक होता है 85, 18, 20 के ऊपर आवर्ली कैंडल में क्लोजिंग दे देता है तो ये भी आपको हो सकता है गैप फिलिंग करते हुए दिखाई दे 87, 88 पे, लेकिन हो सकता है ये अगर लो को ब्रेक करे तो हो सकता है अपने डाउन ट्रेंड को स्टिल कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं अब आपको यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए अच्छे शेयर्स को बाई कीजिए जो वैल्यू रखते हो, ऐसे शेयर्स को प्लीज़ मत बाई कीजिएगा जो कि आपको और नुकसान करा देंगे। ब्लू चिप कंपनी की तरफ आप लोग आए, इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप कंपनीज की तरफ करें जो कि डिस्काउंटेड हो चुकी है, OGDC बहुत डिस्काउंटेड हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज इसके लिए कह रहा हूँ मैं, अभी नहीं बिल्कुल, मार्केट को थोड़ा सा और व्यू अपना क्लियर करने थे फिर ही बाय कीजिएगा। PABC आपका बहुत ही अच्छे रेट पर आ चुका है, PABC आपका एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है और उसके अलावा भी RSI के अंदर स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है। तो बात यह है कि अभी फ़िलहाल आपने कोशिश करनी है कि अच्छे शेयर्स एक्यूमुलेट करें क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि अब PABC भी काफ़ी हद तक एक्यूमुलेशन एरिया में आ चुका है और उसके बाद RSI डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है। तो बात ये हम लोग को हमेशा शेयर तभी बाय करने चाहिए जब RSI डाइवर्जेंस पे जब बाय करने चाहिए जब एक एक्यूमुलेशन एरिया में आ जाए। दरअसल में बात ये होती है कि आप लोग बाहर तो कर लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग को RSI डाइवर्जेंस दिख रही थी, इधर बाय कर ले तो आपका नुकसान हो जाता। जब बाइंग करने का था जब एक बार हमें ये एक्यूमुलेशन एरिया में आते हुए दिखाई दे कंसोलिडेशन फेज में एक रेंज में ट्रैप हो जाए, जैसे हम लोगों ने देखा इधर ट्रैप हो गया, इधर माल जमा किया जा रहा है, नहीं अगर डिप ले लेते हैं कोई मसला नहीं आपके तो रेट इंशाल्लाह वापस आ ही जाएंगे PABC और इन शेयर्स में।
वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ आए, आपका फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ होना चाहिए, ब्लू चिप कंपनीज को टारगेट करें, काफ़ी अच्छे रेट पे आ चुकी है। इसी के साथ मैं हूँ हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है प्लीज़ वो वीडियो के नीचे कमेंट करें कि वॉच फुल वीडियो। मेरी पिछली वीडियो में मियाँ निसार अफजल साहब ने कमेंट किया वॉच फुल वीडियो, उनके लिए थैंक यू। और जो कमेंट करते रहेंगे बिल्कुल मैं आपका नाम भी लूँगा, बिल्कुल आपको याद भी रखूँगा। तो ये कि आप अभी से प्रॉफिट ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरी कोशिश होगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करवाऊँ। बिल्कुल ये आपके ऊपर है, ये मेरी एनालिसिस है, आपकी एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, सबका तरीका अलग अलग होता है एनालाइज करने का। तो ये कि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो, और ये कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और कॉमेंट्स कीजिए। काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, मेरी सारी वीडियोज़ में अक्सर मैंने उनका कॉमेंट देखा है। बिल्कुल हम 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो सबको डिस्कस भी करेंगे। खैर आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।